और बैडमिंटन में यहाँ पे कंडिया स्कूल और गाड़ी स्कूल का मुकाबला चल रहा है इस समय। तो देखते हैं बालिका में कंडिया का दबदबा भारी। नाइन थर्टीन जब तक बैडमिंटन पूरा होता है तब तक आप ले चलते हैं कबड्डी के कोर्ट में। तो यहाँ पे कांडा वर्सेस कौन सा हुआ है, ये कौन सा स्कूल होता है बच्चा? ये कौन सा स्कूल है? गाड़ी सिमा क्या गाड़ी स्कूल है ना? ये तो खिमा खेल कर खेला साथ में। हो गया रे इतना मत थोड़ा गाड़ी पे कांडा गाड़ी यहाँ पे थोड़ा धीमे होता हुआ और कांडा वन प्लस वन पॉइंट ले जाता हुआ यहाँ पे ऑल आउट की स्थिति में गाड़ी स्कूल। यहाँ पे चार पॉइंट मिलते हुए कांडा स्कूल को। एक बार फिर से सभी खिलाड़ी अंदर गाड़ी स्कूल के लास्ट रेड करता हुआ गाड़ी से नंबर एक की जर्सी में देखते हैं कांडा के प्लेयर वो पाते हैं। बहुत सुंदर पांच और करने हैं गाड़ी से आउट दो आउट गाड़ी से यहाँ पे। Clean out. लड़की खो दे खो कहां से कहां घुस रही है। नहीं नहीं इधर है लड़की इधर नहीं हुई आ गई पीछे से आए काम उठ रही पहले उड़ रही लड़की उसे क्यों हार लगा रही
जीत गए शाबाश। और इसी के साथ गाड़ी की टीम ने जीत एक बार फिर से दूसरे मैच में आपका स्वागत है। डाबी पर शायद रखनी खाल तो देख सकते हो आप रखनी खाल छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे और वहीं डाबी की टीम हाइट में बहुत लंबे मुकाबला तकड़ा होने वाला है तो देखते हैं। फिर से रेड करता हुआ तीन पॉइंट ले जाते हैं इस समय। रिखड़ी खाल की टीम बहुत छोटे बच्चे वाली तरफ। अरे छोटे और ऑल आउट की स्थिति में यहाँ पे जेजमान टीम रिखड़ी खाल तो देखते हैं क्या हो पाता है इसमें। बहुत ही तकड़े डाबरी के खिलाड़ी अनिकेत ऑल आउट और पाला चेंज होता है इस समय। बहुत सुंदर है ना जीतना है भाई। हाँ ये तो छोटे टीम है ना। हाँ कोई बात नहीं बच्चे भी बोले टीम तकड़ी नहीं है हमारे मुकाबले। शाबाश एक बार रन के रेड करता हुआ रिखड़ी खाल के पाले में इस गया हुआ है डाल की ओर से तो बहुत ही तकड़ा यहाँ पे अनिकेत तीन पॉइंट ले जाता हुआ इस समय। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पे डाल के हाइट में भी अच्छे हैं। ये देखो कितना छोटा है पर लेकिन दोस्त खेल के प्रति बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर छोटा सा प्लेयर डब डाबी के पाले में आया हुआ है रिखड़ी खाल का। देखते हैं रिखड़ी खाल बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर टाइम आउट होने वाला है उसका। क्या जल्दीबाजी कर दी डाबरी के खिलाड़ी ने अनिकेत साढ़े पांच फुट का खिलाड़ी। और इसी के साथ ऑल आउट दोबारा फिर से रिकन खाल की टीम सभी को बुला। अच्छा ये बच्चा बहुत सुंदर अभी हुआ नहीं एक खिलाड़ी से बहुत सुंदर इसी के साथ टाइम ऑफ हो चुका है इसमें और डाबरी ने एक तरफा मुकाबला जीत दर्ज की तो देखते हैं कितना रहा स्कोर। सर एक पॉइंट है और 21 एक तरफा मुकाबला डाबरी के बच्चे ने और तो रिखड़ी खाल एक डाबरी 21 एक 21 कोई बात नहीं प्रैक्टिस करना है बहुत सुंदर पर फाइनल ले जाना उनके सामने तो आखिर पर अभी और खिलाड़ी आने वाले हैं जी। और एक बार फिर से स्वागत है आपका इसमें रिखड़ी खाल ग्राउंड से। तो यहाँ पे कांडा वर्सेस कुमालडी दोनों ही पैनो घाटी की टीम है भेटती हुई इंडिया को रिखड़ी खाल फील्ड में आप देख सकते हो तो बहुत सुंदर तो देखते हैं कौन सी टीम विन करती है। दोनों ही तकड़े प्लेयर पैनो घाटी के ठीक इसी के साथ आउट प्लेयर क्योंकि गेम माइंड गेम खेल रहे हैं कांडा के प्लेयर। शाबाश और यहाँ पे सिकंजे में इस समय कोमलडी का प्लेयर और कांडा का दबदबा यहाँ पे काफी अच्छा हाई जोश देखते हैं।
कांडा के प्लेयर कितने बड़ा बनाए हुए इस समय पूछते हैं समय से। दो चार दो पॉइंटों की बढ़त कांडा के पास और इसी के साथ एक और प्लेयर सेकेंड जेम है तो 5-2 की बढ़त, 3 की बढ़त, स्कोर 5-2। दूसरे और कोर्ट में देख सकते हो आप यहीं से रिखनी खाल का मैच चलता हुआ इस समय। और एक बार फिर से ऑल आउट की स्थिति में और ये ऑल आउट कमल डी के प्लेयर कांडा के हाइट में भी लंबे है और फुर्ती उनमें भी बहुत अच्छा कमल डी के छोटे छोटे बच्चों में। तो पाला चेंज होता हुआ लोग इसे इस समय कांडा के बहुत ही खुश प्लेयर सावर बहुत सुंदर कमल डी से लाल दर्शी में रेड करता हुआ इस समय प्लेयर सचिन से आवाज सुनाई दे रहे कमल डी के जो और प्लेयर है तकड़ी टीम है दोनों। बोनस प्लान दे जाता हुआ इस समय कांडा का प्लेयर सचिन कुमार से रेड करता हुआ मेन प्लेयर कांडा का और कुमाली वापसी करती हुई यहाँ पर जो साई जैसे ही कुमाली के रेडर सक्सेस रेड मार रहा है इसमें लग गया। और इसी के साथ वन पॉइंट ले जाता हुआ शाबाश बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और तो नहीं यहाँ पे धूल उड़ती हुई बहुत ही रिखरखाल में इस समय चटक धूप खिलती हुई और इसी के साथ 12-4 से कांडा ने मैच उनका लिया है शाबाश कांडा बहुत अच्छा प्रदर्शन।